फ्रेंड्स, आरएफ दी टिप्स डीएमएस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे रईस चटनी के फायदे। दोस्तों, जैसे कि सर्दी का मौसम चल रहा है और ऐसे मौसम में ज़्यादातर जो एक चटपटे स्वाद की आती है, लोग चटपट स्वाद लेने के लिए तरह तरह की चटनी, तरह तरह की रेसिपीज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज मैं आपको जो कुछ बताने वाला हूँ वो रईस चटनी के कुछ खासियत ही कुछ आपको बताऊँगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, तो बने रहिए इस चैनल पर और मैं आपको एक से नई जानकारी आपको देता रहूँगा। लेकिन आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि लास्ट में अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए बात करते हैं रईस चटनी के बारे में, आपको बताऊँगा। दोस्तों, रईस चटनी का जो विशेष तौर पर यानी कि जो फोकस होता है वो जिन लोगों को जैसे एब्डोमिनल पेन होता है या फिर गैस एसिडिटी जिन लोगों को बहुत ज़्यादा बनती है, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि अगर रईस चटनी का आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको गैस एसिडिटी और कब्जियत से राहत दिलाती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा इसका मेन जो रोल होता है वो गैस एसिडिटी कब्जियत है या एब्डोमिनल पेन है कि पेट में बहुत ज़्यादा चुभन सी रहती है, हर वक्त पेट में चुभन रहती है, कुछ खाते हैं या नहीं खाते हैं या फिर थोड़ा ओवर ले लेते हैं, तो इसमें भी क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा चुभन सी रहती है। ऐसी कंडीशंस में क्या होता है अगर आप रईस चटनी का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी पेट की सारी चुभन को, तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इसके जो घटक यानी कि किन किन घटकों से मिलाकर इस रईस चटनी को तैयार किया गया है। दोस्तों, तो इसका दोस्तों रईस चटनी में ज़्यादातर जैसे जीरा सिया, जीरा सफ़ेद और है जनबील, अनारदाना, फिलदार, सेंधा नमक, लाहौरी नमक, हींग है, बिरयानी खिरदी है, सिया मिर्च, कलौंजी, काफ़ी इंपॉर्टेंट्स मतलब इसमें घटक हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। और विशेष तौर पर ये जो घटक होते हैं हमारे मतलब पेट के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हरड़ भी दे रखा है दोस्तों, और ये इसमें जैसे एप्पल, इमली, अंगूर, ग्रेप्स वगैरह हैं, अनार सीड वगैरह मतलब अनार का दाना, सभी कुछ इसमें इस रईस चटनी में दे रखा है। और विशेष तौर पर रईस चटनी का मैंने आपको फायदा बता ही दिया है कि जिन लोगों को गैस एसिडिटी बनती है तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है कि रईस चटनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर जिन लोगों को चुभन वगैरह रहती है पेट में या थोड़ा ओवर खा लेते हैं तो उसमें डकारे वगैरह आना, खट्टी डकारे आना, तो ऐसी कंडीशंस में भी क्या होता है कि रईस चटनी का आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी गैस एसिडिटी या खट्टी डकार से काफ़ी राहत दिलाती है दोस्तों। या जिन लोगों को ओबेसिटी बहुत हो रखी है यानी कि मोटापा हो रखा है, तो ऐसी कंडीशंस में भी क्या होता है अगर रईस चटनी का इस्तेमाल करें। तो रईस चटनी का जो मतलब प्रोडक्ट है बनाया है वो यूनानी मेडिसिन है और सेफ होती है, काफ़ी कंप्लीट सेफ है, अच्छा इसमें काफ़ी टेस्ट होता है, खाने में भी काफ़ी टेस्ट होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो किस कंपनी ने इसको बनाया है, एक दर्दमंद यानी कि जनता दर्दमंद कंपनी ने इसको बनाया है दोस्तों, जो कि रईस चटनी के नाम से जानी जाती है। काफ़ी टेस्ट होता है, टेस्ट के साथ साथ ये आपको फ़ायदे भी काफ़ी करती है। एक नॉर्मल चटनी नहीं है बल्कि ये एक ऐसे मान लीजिए आपको रोग को दूर करने वाली एक चटनी होती है, जो कि विशेष तौर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यानी कि जो हमारे पेट से रिलेटिव है, डाइजेशन से रिलेटिव है या हमारे बॉडी में कहीं किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है यानी कि गैस से रिलेटिव है, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है रईस चटनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको बताऊँगा कि रईस चटनी का जो मार्केट प्राइस है दोस्तों, जैसे कि 1 kg इसमें दे रखा है, वैसे तो इसका मार्केट जो प्राइस है 250 ग्राम का, अगर मार्केट प्राइस इसका छोटा पैक लेंगे, इस रईस चटनी का छोटा पैक आप खरीदते हैं तो वो 168 के समथिंग आपको पड़ेगा, और अगर आपको 1 kg में लेंगे तो आपको समथिंग 600 रुपये के समथिंग आपको ये किसी भी मेडिकल स्टोर से आप इसको परचेज कर सकते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। लेकिन इसका मार्केट प्राइस बढ़ भी सकता है क्योंकि पहले से हो सकता है ये बढ़ जाए या फिर कम हो जाए, डिस्काउंट मिल जाए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस रईस चटनी का आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके काफ़ी एक पेट से रिलेटिव कोई भी समस्या है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट देगी, प्लस आपका डाइजेशन भी प्रॉपर बना के रखेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मैं आपको एक नई जानकारी देता रहूँ। जय हिंद, जय भारत।